नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। यह बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ बैठक की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, मंत्री मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल, कमल गुप्ता, डॉक्टर बनवारी लाल, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, सांसद सुनीता दुग्गल समेत अनेक सांसद, विधायक एवं पदाधिकारी भी पहुंचे। जबकि बैठक में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री रविन्द्र राजू, प्रदेश महामंत्री वेदपाल, एडवोकेट महामंत्री पवन सैनी, महामंत्री मोहनलाल, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, कविता जैन भी उपस्थित हैं। प्रदेश पदाधिकारी मिशन 2024 के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कार्यकारिणी बैठक में पहुंचे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सोशल सिक्योरिटी और गरीब कल्याण के विषय पर मंथन भी होगा। ये बैठक देर शाम तक चलेगी। भिवानी से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। केवल प्राचीन गौरव नहीं, जिन महानायकों का नाम बहुत ऊंचा होना चाहिए था, कांग्रेस ने केवल अपने खाते में सारी आजादी का क्रेडिट लेने के लिए जिनको छुपाया, आजादी बहुत उनको सम्मान देना चाहिए था। देश के 3,27,000 बलिदान लोगों को साइन करना चाहिए था। 13,500 लोग जो गौर से फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए, गोलियों से भून दिए गए, तोप से उड़ा दिए गए, उनको जो सम्मान देना चाहिए था, वो सम्मान कांग्रेस पार्टी के शासन में दिया नहीं है। ऐसा देश बनाने की कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ो, राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाओ, कहीं जमदा एयरपोर्ट, कहीं सांता क्रूज। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।